चलिए अपने द रैट ट्रैप के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे थे, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, बॉट मेड। मेड यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉट मेड का मतलब हो गया किस कारण से या किस चीज के लिए। तो क्या हो गया, बॉट मेड मतलब किस कारण से जो पेडलर है क्या करता है, थिंक। थिंक मीन्स होता है सोचना। तो क्या हो गया, किस कारण से पेडलर क्या करता है, थिंक मतलब सोचता है। अब क्या सोचता है, ही मतलब वह, हेड हो गई हेल्पिंग वर्ब मतलब था, इंडीड मतलब होता है सचमुच में या वास्तव में, और फॉलन मतलब होता है फंस जाना होता है। तो वह किस कारण से सोचता है कि ही हैड इंडीड मतलब सचमुच में क्या हो गया है, फॉलन मतलब फंस गया है, और कहाँ फंस गया है, इनटू मतलब मैं, रेड ट्रैप, रेड ट्रैप मीन्स होता है चूहादानी, वह चूहादानी के अंदर फंस गया है, ये किस कारण से सोचता है। एक बार और देखते हैं क्या लिखा है, बॉट मेड, बॉट मेड मीन्स हो गया किस कारण से जो पेडलर है क्या करता है, थिंक मतलब सोचता है, और क्या बात सोच रहा है यहाँ पर, वह ही मतलब वह हैड इंडीड, इंडीड मतलब वास्तव में क्या हो गया है, फॉलन मतलब फंस गया है, किसके अंदर फंस गया है, इनटू मतलब मैं, रेड ट्रैप मतलब चूहादानी के अंदर फंस गया है। जैसा कि पहले आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जो पेडलर है वो थिंक करता था, क्या थिंक करता था, वह सोचता था कि ये जो संसार है वो किसके समान है, चूहादानी के समान है, क्योंकि जिस प्रकार से चूहों को पकड़ने के लिए हम क्या रखते हैं, उसके अंदर लालच रखते हैं, उसका मत ये था कि ये संसार के अंदर क्या है, व्यक्ति क्या करते हैं, लालच करते हैं और उसके अंदर फंस जाते हैं। तो उसने इस संसार को किसके समान बताया है, चूहादानी के समान बताया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चूहादानी के अंदर फंस गया है ना, वो समस्या में फंस गया था। चलिए आंसर देखते हैं, तो क्या है आंसर में, ही रियलाइज्ड, उसने क्या किया था, रियलाइज्ड किया था। जैसे ही जो पेडलर है वो कहाँ रुका था, क्रॉप्टर के पास रुका हुआ था, और क्रॉप्टर कहाँ से वो 30 करोड़ रुपए चुरा कर आता है। तो ये मान लिया जाए कि ये समझ लो क्या है, पेडलर है, और पेडलर जब वो 30 जो करोड़ थे वो चोरी कर कर जाता है, तो उसके सामने कितने रास्ते पड़ते हैं, दो रास्ते मिलते हैं उसे, कितने रास्ते मिले, दो रास्ते मिले, ये एक पब्लिक हाईवे था और एक कौन सा था, जंगल वाला था। तो यहाँ से यही बात लिखी है, ही रियलाइज्ड, उसने को क्या हुआ, यहाँ पर पेडलर खड़ा है और यहाँ से उसने क्या किया, रियलाइज्ड किया, उसको एहसास हुआ, किस बात का एहसास होता है, दैट मतलब कि उसको क्या नहीं करना चाहिए, ही मतलब उसे, और मस्ट मतलब होता है चाहिए, और नॉट मतलब नहीं, और वॉक मतलब होता है चलना, उसको नहीं चलना चाहिए, और कहाँ से नहीं चलना चाहिए, ऑन मतलब पर, कहाँ से नहीं चलना चाहिए, पब्लिक हाईवे वाले रूट से नहीं चलना चाहिए। जो है वो क्या करके आता है, 30 करोड़ रुपए चोरी कर कर आता है क्रॉप्टर के यहाँ से, और वो जाता है, तब उसके सामने कितने रास्ते मिलते हैं, दो रास्ते मिलते हैं। तो वो ये सोचता है कि जो पब्लिक वाला रास्ता है इससे मुझको नहीं चलना चाहिए, और मुझको कहाँ से जाना चाहिए, जंगल वाले रूट से मुझको जाना चाहिए। तो यही बात इसमें लिखी है, क्या लिखा है, ही रियलाइज्ड, उसको क्या हुआ, रियलाइज्ड हुआ, उसको एहसास हुआ, किस बात का एहसास हुआ, दैट मतलब कि ही मस्ट नॉट, उसको क्या नहीं करना चाहिए, वॉक नहीं करना चाहिए, किस रास्ते से वॉक नहीं करना चाहिए, ऑन द पब्लिक हाईवे, जो पब्लिक वाला रोड था, जो पब्लिक जाती है वहां से, जो मार्केट में जाता है, उस रास्ते से उसको नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए, क्या लिखा है, उसका कारण लिखा है, विद मतलब के साथ, किसके साथ, स्टोलन मनी मतलब चुराए हुए पैसों के साथ, इस वाले पब्लिक वाले रास्ते से नहीं जाना चाहिए। इन हिज पॉकेट, और जो मनी है वो कहाँ रखे था, इन मतलब अंदर थे उसके, किसके, हिज मतलब उसके, और पॉकेट मतलब होता है जेब, उसके जेब में जो चुराए हुए पैसे थे उसके साथ उसको इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। तो फिर उसको क्या करना चाहिए, तो लिखा है बट मतलब लेकिन, मस्ट मतलब चाहिए, टर्न ऑफ मतलब बदल लेना चाहिए, क्या बदल लेना चाहिए, द रोड, उसको रोड को बदल लेना चाहिए, और कहाँ से चलना चाहिए, इन टू द वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल से, जंगल वाले रास्ते से उसको चलना चाहिए। फिर से देखते हैं बात क्या लिखी है, जैसे ही वो 30 करोड़ चोरी करके लाता है तो उसके सामने कितने रास्ते थे, दो रास्ते थे। वो ये बताना चाह रहा है कि वो सोचता है, रियलाइज होता है, थॉट करता है मनी मन कि उसको इस पब्लिक वाले रास्ते से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसको पकड़े जाने का डर था। उसको कहाँ से चलना चाहिए, जंगल वाले रोड से चलना चाहिए। तो यही बात इसमें लिखी है, ही रियलाइज, उसने क्या किया, रियलाइज किया, किस बात का रियलाइज होता है, दैट मतलब कि ही मस्ट नॉट वॉक, उसको नहीं चलना चाहिए, और कौन से रास्ते से, ऑन द पब्लिक हाईवे वाले रोड से नहीं चलना चाहिए, और विद मतलब के साथ, किसके साथ, स्टोलन मनी चुराए हुए पैसों के साथ, उसको इस वाले रास्ते से नहीं चलना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, बट मतलब लेकिन, उसको क्या करना चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, टर्न ऑफ मतलब बदल लेना चाहिए, क्या बदल लेना चाहिए, रोड, और कहां से चलना चाहिए, इनटू द वुड्स मतलब जंगल वाले रास्ते से उसको चलना चाहिए।
आगे देखते हैं तो अब वो कहाँ से चलना प्रारंभ कर देता है, जंगल वाले रोड से वो जाना प्रारंभ कर देता है। और कहाँ पहुंच जाता है, समझ लिया जाए कि एक जंगल में पहुंच जाता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है तो जंगल को वो बता रहा है कि कैसा पाया है, जंगल कैसा था। तो इसमें क्या लिखा है, इट मतलब यह है, बाज मतलब था, बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। बस जैसे जंगल में पहुंचता है तो जंगल कैसा लगा, वो बहुत बड़ा जंगल लगा। और कैसा लगा, कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि जो रास्ते थे वो क्या थे, बहुत कंफ्यूजिंग कर रहे थे। इसलिए वो कहता है इट वाज, यह था कैसा था, बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। तो वह जंगल को कैसा पाया उसने, बहुत बड़ा जंगल पाया। और कैसा पाया, कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट पाया। लेकिन वह क्या करता है, ही मतलब वह केप्ट वॉकिंग। यदि यहां पर कीप की सेकंड फॉर्म लगी और ये जीरण वर्ब आ गई है, यदि अगर कीप और जीरण वर्ब मतलब ING वाली वर्ब अगर आती है तो उसका मतलब होता है कोई कार्य करते रहना होता है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ही मतलब वह और केप्ट वॉकिंग, वह लगातार क्या करता रहता है, चलते रहता है। तो क्या लिखा है, वह लगातार चलते रहता है। विदाउट मतलब के बिना, काय के बिना, कमिंग मतलब आने के बिना। और क्या नहीं आ रहा था, टू द एंड मतलब अंतिम छोर नहीं आ रहा था, किसका, ऑफ इट, इट मतलब इसका, इसका मतलब जंगल का। तो क्या करता है, ही केप्ट वॉकिंग, वह लगातार चलते रहता है। कैसे चल रहा है जंगल में वह, विदाउट कमिंग, विदाउट मतलब के बिना और काय के बिना, कमिंग मतलब आने के बिना। और क्या नहीं आ रहा है, टू द एंड नहीं आ रहा है, किसका एंड नहीं आ रहा, ऑफ इट मतलब उस जंगल का एंड नहीं आता और वह चलते रहता है। फिर देन मतलब तब या फिर उसको क्या हो जाता है, ही रियलाइज, उसको क्या हुआ, एहसास हो गया। किस बात का एहसास हो गया, दैट मतलब कि ही हैड फॉलन, वह क्या हो गया, फंस गया है। और काय के अंदर फंस गया है, इन टू द रेट ट्रैप, वह चूहादानी के अंदर फंस गया है। तब जाकर उसको एहसास हुआ, तो जंगल में फंसने के कारण वह सोचता है कि वह चूहादानी के अंदर फंस गया है। चलिए एक बार और देखते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा था हमसे कि किस कारण से वह सोचता है कि वह चूहादानी के अंदर फंस गया है। तो आंसर में क्या लिखा है, जब वह चोरी कर कर जा रहा था 30 करोड़ रुपए, तो वहां उसके सामने कितने रोड आते हैं, दो रोड आते हैं। तो वहां पर खड़े होकर क्या करता है, रियलाइज करता है। तो क्या लिखा है, ही रियलाइज दैट, उसको क्या हुआ, रियलाइज हुआ। किस बात का रियलाइज हुआ, कि उसको चलना नहीं चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ही मस्ट नॉट वॉक, उसको नहीं चलना चाहिए। कहां से नहीं चलना चाहिए, ऑन द पब्लिक हाईवे रोड से नहीं चलना चाहिए। किसके साथ नहीं चलना चाहिए, बिद्दा स्टॉलन मनी, चुराए हुए पैसों के साथ पब्लिक वाले रोड से नहीं चलना चाहिए। और जो चुराए हुए पैसे थे कहां थे, इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में ही रखे हुए थे। तो फिर क्या करना चाहिए, बट मतलब लेकिन, मस्ट टर्न ऑफ, उसको बदल लेना चाहिए। क्या बदल लेना चाहिए, रोड बदल लेना चाहिए। और कौन सा वाला, बुश वाला, जंगल वाला रोड से चलना चाहिए। जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करता है तो जंगल को कैसा पाता है, इट वाज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। कैसा पाया, बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट उसने को लगा जंगल। और अब जंगल में वो क्या करता है, लगातार चलते रहता। तो क्या लिखा है, ही केप्ट वॉकिंग, भाई लगातार चलते रहता है। और कैसे चल रहा था, विदाउट कमिंग मतलब के बिना ही, किसके बिना, कमिंग मतलब आने के बिना। और किसके आने के बिना, टू द एंड, और काय का एंड, ऑफ इट मतलब जंगल के अंत मतलब अंतिम छोर आने के बिना ही वह चलता रहता है। देन मतलब फिर उसको क्या हुआ, उसको फिर एहसास हो जाता है या रियलाइज हो जाता है। किस बात का रियलाइज हो गया, कि वह क्या हो गया है, ही हैड फॉलन, वह फंस गया है। किसके अंदर फंस गया है, इनटू द रेट, वह चूहादानी के अंदर फंस गया है। तब उसको एहसास हो जाता है।